पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन ऑर्डर पर है टेबल, ठीक है। नेक्स्ट यानी पिछले वीडियो में बात कर रहे थे बेटा कि जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें एलिमेंट की पोजिशन क्या है। आपने उसको तरीके से देखा, समझा, समझने का प्रयास किया होगा कि उसमें ग्रुप नंबर 1 to 18 एंड पीरियड 1 to 7 किस प्रकार उसमें अरेंज किया गया है। क्योंकि मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर एलिमेंट को अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है। तो आज बेटा हम एक नए टॉपिक के साथ जैसे नए वीडियो में स्टडी करते हैं। कल आपको मैं कंप्लीट क्वेश्चन बता चुका पीरियड नंबर 1 to 7 किस प्रकार एलिमेंटों को उसमें अरेंज किया गया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज या पेरियड, देखिएगा लेट्स नाउ स्टार्ट, पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज जैसे हिंदी में कहते हैं गुणधर्मों में आवर्तता, पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी जैसे कहते हैं गुणों में आवर्तता। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने मॉडर्न टेबल पढ़ा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक पढ़ा, 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड कंप्लीट किया आपने लर्न। तो हम ये देखते हैं कि इफ मूव इफ वी मूव इफ वी मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप एंड लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, यानी जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम यानी ऊपर से नीचे जाते हैं है ना एंड लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, और यदि पीरियड में हम लेफ्ट से राइट को जाते हैं तो दे चेंज एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज, तो जो तत्व है उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है बेटा, एक मिनट थोड़ा देखो एक मिनट, यहां मैं इसकी डेफिनेशन आपको देखू, इफ वी मूव्स इफ वी मूव्स टॉप टू बॉटम एंड टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप एंड लेफ्ट टू राइट एंड लेफ्ट टू राइट, यहां पे लेफ्ट राइट का मतलब दायां बायां, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, पीरियड दे चेंज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, इन पीरियड दे चेंज, दे चेंज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट properties of element. Element is called periodicity in property. देखिए जब भी हम किसी ग्रुप में, ये ग्रुप है और इस ग्रुप में हम जाते हैं टॉप टू बॉटम, ठीक है, या जाते हैं हम इस पीरियड में लेफ्ट टू राइट, ये तो पीरियड है और ये ग्रुप, ठीक है, ग्रुप में टॉप से बॉटम, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो
the change properties of element, the clock number change हो जाते हैं, this is the perturbative of properties कहते हैं। अब क्या क्या change होता है देखिए, इसमें जैसे example atomic size r change, atomic radius r change, ionization enthalpy r change, और न्यूक्लियस भी क्या है, साइंस ऑफ द एटम, साइंस
center of the यहाँ ये डिस्टेंस जो आपको दिख रही है, ये डिस्टेंस
hence the distance is equal to atomic size or atomic radius. Atomic radius से ही atomic size को determine किया जाता है. इसी भी atomic size का यदि हमें निर्धारण करना है, determine करना है, तो उसकी atomic radius से ही उसको बताना है. अब यदि हम modern periodic table में चलो यहाँ पे इसी definition और पैदा हो जाए. अब यदि हम modern periodic table के अंदर modern periodic table में top से bottom जाता है, यानी ऊपर से नीचे जाता है, तो निश्चित है एटॉमिक साइज बढ़ेगा. और एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज. एटॉमिक रेडियस के बढ़ने पर एटॉमिक साइज भी बढ़ता है. एटॉमिक रेडियस प्रोपोर्शनल जैसे हम टॉप से बॉटम पे जाएंगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, एटॉमिक डिक्रीज भी होगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी. यानी कम क्यों होगी, इसका कारण है रिफ्रैक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. एक क्वेश्चन और करेंगे हम रिफ्रैक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. देखिए जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो सेंटर जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस बढ़ती है, न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस बढ़ती है. डिस्टेंस बढ़ने पर क्या है कि उसके सेंटर से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस बढ़ जाती है, अतः उसमें से न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है. जब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, यानी इसका मतलब जो न्यूक्लियस है उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाता है. यदि हम कहें किसी की न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल को जो इलेक्ट्रॉन है उससे जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अब यदि किसी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो उसका न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन चार्ज है वो बढ़ जाता है और उसका आकार छोटा हो जाता है, तो उसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह इलेक्ट्रोलाइट टॉप टू बॉटम जाने पर संख्या चेंज जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको उसके बारे में एटॉमिक साइज के बारे में, एटॉमिक साइज में आप देखते हैं टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये रेडियस भी इंक्रीज होगी, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा, एंड लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी. ठीक है, अब हम एक चले रिफ्रैक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसकी भी परिभाषा लिखते हैं. इसकी परिभाषा लिखते हैं रिफ्रैक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, द अट्रैक्टिव फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब आकर्षण बल, द अट्रैक्टिव फोर्स बाय द न्यूक्लियस एट्रैक्ट ऑफ द आउटर मोस्ट अट्रैक्टिव फोर्स बाय द न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इन एटॉम इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, अब इसमें आगे हम लिखेंगे इन्हें ग्रुप. यदि हम किसी ग्रुप में हम जाते हैं टॉप टू बॉटम तो इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर चार्ज की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी. क्यों? ऑर्बिटल की संख्या बढ़ती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल डिक्रीज होंगे तो उसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ जाती है और जो अट्रैक्टिव चार्ज है, अट्रैक्टिव फोर्स है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो जाता है. और यदि हम बात करें पीरियड के लिए, पीरियड तो पीरियड के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने पर न्यूक्लियस उसका अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है. जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा न्यूक्लियस से तो जो ई एम सी है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इसकी वैल्यू
बढ़ जाती है यानी गिनती हो जाती है। तो देखिएगा यहाँ हम इसके बारे में बात करेंगे एटॉमिक रेडियस एंड रिफ्रैक्टिव न्यूक्लियर के साथ। दोनों परिभाषा आपको ठीक तरह से पढ़नी है और पढ़ करके चैलेंजेज आता है उस चैलेंज को आपको देखना है, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो के अंदर हमने तीन चीजें पढ़े, पेरियोडिसिटी यूनिट प्रॉपर्टीज, एटॉमिक साइज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कब होगा, इसका मतलब मैं ये कहूँ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंटी प्रोपोर्शनल एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का अपोजिट आंसर आता है। इस तरह हम लेफ्ट राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस घटेगा लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ हमने इस वीडियो के अंदर एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और हमने पेरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज की बात की। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगला टॉपिक लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहें, ठीक से समझते रहें। थैंक यू वेरी मच। और यदि कोई मुश्किल आपसे समझ में नहीं आ रही हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करें, समझें और उसके बारे में जानें। कहीं भी किसी तरह कोई भी टॉपिक हो, उसका डायग्राम हो, यदि आपका अनकम्प्लीट है उसको कम्प्लीट करें, समझें। जैसा मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम के द्वारा, उसी डायग्राम से आप उसको बनाने का, उससे समझने का प्रयास करें, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।